विश्वं दर्पण दृश्यमानं प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भो रुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति। यत् प्राप्य न किंचित् वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जज ज्ञात्वा मत्तो भवति शब्दो भवति आत्मा रामो भवति। देवर्षि नारद भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। ये बात पहले बताई कि भक्ति का रूप है भगवान में परम प्रेम, और भक्ति का स्वरूप है अमृत, माने परमात्मा में ही जो परमात्मा का अनिशक्ति सार सर्वस्व स्वरूप है, उसी को परमात्मा अपने भक्त के हृदय में डाल करके अपने ही परमानंद को अपने भक्त के हृदय में डाल करके और परमात्मा उसका आस्वादन करता है। और यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। यदि ये भक्ति किसी को मिल जाए तो वो बिना साधना के ही सिद्ध है, बिना स्वर्ग गए ही अमृत है, और बिना विषय भोग के ही निरंकुशा तृप्ति उसको प्राप्त है। फिर भी भक्त की सिद्धि जो है वो कोमलता रूप है और अमृत जो है वो मधुरता रूप है। भक्त की सिद्धि है कोमलता और भक्त का अमृतत्व है उसके जीवन की मधुरता, और उसकी अतृप्ति में भी अतृप्ति है और अतृप्ति में भी तृप्ति है। वो भगवान के विरह में जितना मजा ले लेता है, संसार के विषयी लोग सारे संसार के विषयों का भोग करके भी उतना आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। अब कहीं मिल जाए भक्ति तो तीन ढंग से ये बात कही गई है। यत लब्ध्वा, लब्ध्वा माने उत्तराधिकार में मिल गई, किसी ने कृपा करके दे दिया, जैसे राह चलते चलते किसी को धन मिल जाए और गुरु ने सिर पर हाथ रखा और भगवान की भक्ति आ गई, भगवान की कृपा से किसी के जीवन में भक्ति का संचार हो गया। ऐसे किसी भक्त की नजर पड़ गई और भक्ति आ गई, लब्ध्वा। और प्राप्त का अर्थ साधन भजन करके अपनी ओर से भक्ति के पास पहुंचे। तो गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से जो भक्ति मिलती है वो तो लाभ हुआ हो, और यत प्राप्त का अर्थ है जो भक्ति प्राप्त की गई। व्यापारी लोग लाभ को बहुत महत्व देते हैं। आत्मलाभ आत्म परम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़ करके दूसरा कोई लाभ नहीं है। और यत प्राप्य, क्षत्रिय लोग वीर लोग जो होते हैं वो प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं, स्वयं कदम पर कदम रखते हुए वीरता के साथ पहुँचे। है राजा की शक्ति है, प्रेरणा है, निर्देश है, सब कुछ है, लेकिन पांव बढ़ाते हुए गए। अब भक्ति मिली तो क्या हुआ,
न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। कल गीता का उस श्लोक आपको सुनाया था अंत में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी जो मद भक्त स मे प्रिय। उसमें भी आपके ध्यान में ये बात होगी कि जो मद भक्त, जो भक्त मेरी भक्ति करता है, माने जो जीव मेरा भक्त होता है, वह मे प्रिय मुझ ईश्वर का प्यारा है। माने भक्त भक्ति करता है और ईश्वर उसको प्यार करता है। भक्त प्रेम पूर्ण सेवा करता है और ईश्वर उसको प्यार करता है। तो सेवा कौन करता है और ईश्वर का प्यार कौन प्राप्त करता है, ये दोनों बात इस सूत्र में भगवान से हस्ताक्षर करा करके कही गई है। क्योंकि वो जो नृष्यति न द्वेष्टि, ये तो भगवान का हस्ताक्षर है ना, वो तो भगवान ने पक्का लिख दिया है। बिल्कुल जो मधुभक्त समय प्रिया इसका नामा लिखा हुआ है भगवान की ओर से, बिल्कुल पक्का मेरा प्यारा कौन, जो नृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति तो न किंचित वांछति। समझो एक के घर हम गए और अपना बहुत प्रेमी समझ करके गए। अब वो तो हमारी तरफ ध्यान ही न दे, तो बात क्या है भाई, बोले आज एक मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं, है ना? अब उनकी इंतजार में वो खिड़की से लगा, दरवाजे से लगा है। हम तो उसके घर में जाके तख्ते पर बैठे हैं और वो लगा है दरवाजे से। तो क्या, तो वे कब आवे, वे कब आवे, वे कब आवे, तो अब ये बताओ ये बात हमको कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी? माने वो हमारे आने को तो कुछ समझते ही नहीं है, वो तो किसी दूसरे के आने की इंतजार कर रहा है। तो वांछति का क्या अर्थ है? घर में तो बैठे हैं भगवान अपने हृदय में और वो तुम्हारे प्यारे हैं। तो भक्त उनका पांव दबावे, उनको पंखा झले, उनको भोजन करावे, उनके सिर में तेल लगावे, कोई काम न हो तो उनकी ओर देखता रहे, लेकिन वे तो अपने घर में आके बैठे हैं और यदि वो भक्त दूसरे की ओर देखने लग गया, दूसरे की इंतजार करने लगा, दूसरे की चाह है, बोले भाई तुम आए तो क्या, वे नहीं आए, उनके बिना हमको सब सूना लगता है। ईश्वर की भक्ति में ये बात नहीं हो सकती है। यह प्राप्य अपने हृदय में भगवान प्रकट हुए, उनकी सेवा मिले, उनसे प्रेम मिला। अब अप्राप्त की प्राप्ति के लिए वांछा, तो ये चीज हमको नहीं मिली है उसके लिए चाह, ये भक्त के हृदय में नहीं हो सकती है। क्योंकि चाह में एक बड़ा भारी दुर्गुण है। क्या, वो अपने घर में नहीं रहने देती, अपनी आत्मा को दूसरे के घर में ले जा करके बैठा देती है। आप ध्यान कर लो, एक आदमी अपने घर में तो बैठा है और चाहता है किसी विदेश में रहने वाले को, तो उसके मन में ख्याल किसका होगा? तो वो तो ख्याल ख्याल से तो वहां मड़गा रहा है ना, जहां उसका प्यारा है। तो ईश्वर से करे प्रेम, ईश्वर की करे सेवा और चाहे दूसरे को, तो ये प्रेम और ये सेवा सचमुच अभी मिली नहीं है। वो तो हड्डी मांस की जो ठटरी है सो सेवा कर रही है और हृदय जो है वो दूसरे के पास चला गया है। तो भक्ति की ये विशेषता है कि जिसकी भक्ति मिली है उसी की वांछा होती है।
देवी का भक्त बोलता है नमे मोक्षाकांक्षा न च विभव वाहंसा पिच नमे, न मुझे मोक्ष की आकांक्षा है, न मुझे किसी वैभव की वांछा है, न वस्तु की चाह है, न व्यक्ति की चाह है। दूसरे की चाह होने से ही भक्ति कलुषित हो जाती है, भक्ति नहीं रहती, मलिन हो गई भक्ति, मलिन हो गई। ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर को ही चाहो, दूसरे के साथ जुड़ना नहीं। श्री जामुनाचार्य जी महाराज का एक आलवंदार स्तोत्र है, ये श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु थे, हो श्री जामुनाचार्य जी कठकोपाचार्य के शिष्य। तवा मृतस्यन्दिनी पाद पंकजे निवेशितात्मा कथमन यदिच्छति, जिसने अपने मन को तुम्हारे चरण कमल के रस में डुबो दिया, वो भला दूसरी वस्तु की इच्छा क्यों करने लगा। स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम् हि वीक्षते, स्थिते रविंदे मकरंद निर्भरे। जब रस से भरा पूरा कमल खिल रहा हो अपने सामने, तो भौरा उसको छोड़ करके एक सूखी घास की ओर क्यों देखेगा। तो जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए, भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान की सेवा मिल गई, अब वो उस चरणारविंद को छोड़ करके संसार के विषय और विषयी रूप जो सूखी घास है उनको क्यों चाहेगा। तो यत प्राप्य न किंचित वांछति। अच्छा, अब दूसरी कल्पना लो, एक आदमी के घर हम गए, वो हमारा प्रेमी और हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रेमी। जब उसके घर जाके बैठे तो थोड़ी देर के बाद वो रोने लगा। तो भाई क्यों रोते हो। बोले कि कल हमारे एक मित्र आए थे और बड़ा आनंद था, बड़ा सुख था, आज सवेरे वो चले गए, तो उनके जाने के कारण अब ये रुलाई रोके नहीं रुकती है, सोचती है ना, शोक कर रहा है। काहे के लिए, का अपने गए हुए मित्र के लिए शोक कर रहा है। तो तुम तो गए हुए मित्र के लिए शोक कर रहे हो, अब हम आए शोक हम, बोले हमारे आने की कोई खुशी नहीं, उसके जाने का दुख तो तुम्हारे मन में बना हुआ है और हमारे आने का कोई सुख नहीं है। तो तुम्हारे घर में ईश्वर हो है और तुम दूसरे के लिए शोक करो। ईश्वर मिला, ईश्वर की भक्ति मिली, ईश्वर का प्रेम मिला, ईश्वर की सेवा मिली और तुम दूसरे के लिए रो रहे हो, ये बात भक्ति में नहीं बनती। भगवान का भक्त किसी दूसरे के लिए क्यों रोएगा, क्या भगवान से कोई बड़ी चीज है। तो संपूर्ण विश्व, अपना संपूर्ण जीवन उसने भगवान पर निछावर करके बांट दिया है, उसके लिए संसार में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके लिए वो रोए। रोना तो उसी दिन चला गया जिस दिन भगवान मिल गए, रोना तो उसी दिन चला गया जिस दिन भक्ति मिल गई, भगवान की प्रेम मिला, सेवा मिली, अब दूसरे के लिए रोना। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, शोक करते हो किसके लिए। ये ईश्वर का तिरस्कार हुआ, अपने घर आए प्रीतम का तिरस्कार हुआ। ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की सेवा करना और रोना दूसरे के लिए, इसका अर्थ हुआ जाओ भाई, है ना। ये शोक जो है वो मनुष्य के मन को ईश्वर से हटाए करके भूत में ले जाता है। वो देखो ईश्वर से दूर मनुष्य कैसे हुआ। वांछा जिसको बोलते हैं ना, अभी वांछा की
जत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचते, ये दोनों बात आई। तो शोक आपके मन को कहाँ ले जाता है? भूत में। शोक मन को वर्तमान में नहीं रहने देता। कोई घटना दुर्घटना हो गई है, आपका धन खो गया है, आपका कोई दोस्त बिछुड़ गया है, आपके घर में कहीं कपड़े में आग लग गई है, कहीं रुपए खो गए हैं, अब मन आपका वर्तमान में नहीं है, भूत में है। तो वर्तमान में जो ईश्वर आपके घर में है उसको छोड़ करके आप अपने मन को भूत में ले गए ना, तो ईश्वर कहता अच्छा तुमको भूत इतना प्यारा है कि इसके लिए भगवान को छोड़ रहे हो, भूत के लिए वर्तमान भगवान को छोड़ रहे हो, ये भक्त का लक्षण नहीं है। अरे भूत छोड़ो भगवान में लगो, भगवान को छोड़ के भूत में मत लगो। अच्छा वांछा होती है तब हमारा मन कहाँ जाता है? ये चीज हमको मिलनी चाहिए, तो वो चीज तुम्हारे घर में है कि दूर है? बोले दूर है। तो तुम्हारा मन दूर चला गया, बोले भगवान तो तुम्हारे घर में आए हुए हैं, तुम्हारे दिल में, तुमने अपना मन कहाँ भेज दिया? अगर दूसरे के घर भेज दिया तो पड़ोसी के घर में तो अपना मन भेज दिया और अपने घर में भगवान है वहाँ मन ही नहीं है। नहीं तुम बैठो जरा, हम पड़ोसी के घर होके आते हैं। भगवान आए घर में, भगवान आए घर में तो बोले गए बैठो तुम, क्योंकि जरा एक मित्र हमारा पड़ोस में रहता है उससे मिल के आते हैं। अब क्या कहे भगवान कि हम तो आए तुम्हारे घर में और तुम दूसरे मित्र से मिलने जा रहे हो, हमसे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र है? बोले कहाँ जा रहे हो? तो जरा मातम पूर्ति कर रहे हैं एक के घर में, है ना, वो मर गया, जरा हमारा एक है, हमारी एक जान पहचान का मर गया, आप बैठो भगवान, बैठो हमारे घर में, हम मातम पूर्ति मना के आते हैं। अरे बेवकूफ, इसका नाम भगत हुआ है? इसका नाम भगत नहीं है भाई। न सोचती, भगवान जहाँ हृदय में बैठे उनकी भक्ति जहाँ आई वहाँ न किसी मित्र से मिलने जाना है। तब बोले महाराज आज तो लड्डू का निमंत्रण है, भोजन करने जा रहे हैं, तो ये मथुरा का चौबे हो सकता है पर भक्त नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसा कोई हो जो भगवान को घर आया छोड़ करके, वो भागवत में है ना, तो बोले गए कृष्ण भूखे हैं, तो मथुरा के ब्राह्मण ने कहा कि अभी हमको जरा इंद्राया स्वाहा करना है ना, इंद्र को खिलाना है, इंद्र को खिलाना, रहने दो भगवान को, पर ये भक्त का काम नहीं है। स्त्रियां भक्त थी, उन्होंने कहा इंद्र चाहे खाए चाहे भूखा रहे, हम तो भगवान को खिलाए, है ना। ये हुआ न सोचती, शोक में मन भूत में जाता है और इच्छा में मन दूर जाता है, भविष्य में जाता है, दूसरी चीज में जाता है। ये इच्छा का हमको पता ही नहीं लगा कि हमारे घर में भगवान बैठे हैं। आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं बौरी रही सोयरी। प्यारे को न्योता दिया कि हमारे घर आना, ठीक समय बता दिया और फिर कान दुपट्टा सो गए। वो आए तो देखा अरे ये तो सो गए, सो रहे हैं, है ना। आए मेरे सजना फिर गए अंगना, और मैं बौरी रही सोयरी, मैं सोती रह गई, चले गए हमारे प्यारे। नहीं भाई, प्रमाद नहीं करना। न द्वेष्टि न रमते, बोले एक के घर एक बड़ा प्यारा प्यारा मेहमान आया है, और वो दोनों पति पत्नी घर में और आपस में खूब लड़ाई कर रहे, बोले उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो आए बैठ गए और वहाँ तो महाराज कहा सुनी हो रही है। जब आदमी को क्रोध जब आता है तो उसको ये नहीं सूझता कि हम किसके सामने बोल रहे हैं, बोले अरे अपने गुरु का तो थोड़ा संकोच करो भाई, उनके सामने लड़ाई मत करो। बोले ऐसे गुरु बहुत देखे हैं। अरे कितने, हमने तो 20-30 बना के छोड़ दिया, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। क्या रखा है? अरे भाई पुलिस का सुपरिंटेंडेंट हो तो उसके सामने जो सिपाही नहीं लड़ सकते, लड़े तो बर्खास्त कर दिए जाए दोनों,
और भगवान अपने हृदय में बैठा हुआ और हम दुनिया में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अपने घर में भगवान बैठा हुआ, ये द्वेष क्या करता है? द्वेष भगवान के पास नहीं रहने देता, ये दुश्मन के घर में ले जाके डाल देता है। शरीर की छतरी अपने घर में रहे लेकिन आदमी कहाँ रहेगा, मन कहाँ रहेगा? तो मन तो दुश्मन के चारों ओर मंडराएगा, वहाँ जलन मिलेगी, जेल मिलेगा, नरक मिलेगा, दुख भोगते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे नरक। द्वेष करने वाले के हृदय में भक्ति नहीं रह सकती। और उसके साथ एक बात और है, ये मत बताना कि हम किससे द्वेष करते हैं। बोला एक आदमी ने कहा कि हम तो पापी से द्वेष करते हैं, इसमें क्या बुरा है? तो बाबा तुम पापी से द्वेष करते हो कि पुण्यात्मा से द्वेष करते हो, ये बात जुदा है ना? द्वेष रहता कहाँ है ये बताओ। तो द्वेष रहता तो हमारे दिल में है, तो करता क्या है? तो जलन देता है, और ले कहाँ जाता है? तो दुश्मन के घर में, जिसका तुम मुंह नहीं देखना चाहते उसी की तो याद आवे बार बार, और जो काम नहीं करना चाहते वही काम करने का मन होवे, और अपने हृदय में जलन होवे ईश्वर भूल जाए, और मजा जो है शरीर में वो जल जाए, भजन कर करके खून में शांति ले आए हो, रक्त शांत हुआ, भजन करने से रक्त शांत होता है, खून की जो गति है ना एकदम शांत हो जाती है, जैसे बर्फ जमता हो ऐसे एक प्रकार की शीतलता शरीर में उभरती है। और जब क्रोध करते हैं कि जैसे आग लग गई हो, सारा सारा बना बनाया रस जल करके भस्म हो जाता है। 4 घंटे माला फेरो और 5 मिनट क्रोध कर लो, देखो ना, क्रोध भजन के रस को जलाता है, भजन के पुण्य को नहीं जलाता हो। भजन का जो पुण्य होता है वो तो होगा, है ना? वो बात दूसरी है, उससे तुमको मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, वो बात ठीक है, लेकिन भजन का स्वाद, भजन का रस जो इसी जीवन में बनता है वो क्रोध आने से भस्म हो जाता है। भजन का जो दृष्ट फल है वो नष्ट हो जाता है, भजन का जो अदृष्ट फल है वो बना रहे, उसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो तो भक्तों की श्रद्धा की बात है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा भजन निष्फल नहीं जाएगा, मरने पर तुम्हें वैकुंठ मिल सकता है, लेकिन इस समय जो और इसी समय जब तुम्हें जलन हो रही है, घर में आया हुआ भगवान उसको तो निकाल दिया, दुश्मन को ला करके बैठाया और बोलते हैं मरने पर वैकुंठ मिलेगा, है ना? हृदय से भगवान को निकाल के उसमें उसके हृदय के सिंहासन पर दुश्मन को बैठाया और मरने के बाद ईश्वर के मिलने की आशा रखते हो, तो न द्वेष थी, द्वेष जो है जलन है, द्वेष जो है वो आग है, ये जिस लकड़ी में आग लगती है तो वही जलती है, जिस हृदय में द्वेष आता है वही भस्म होता है। अगर किसी का बुरा चाहोगे बाबा तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा तो ईश्वर जाने, तुम्हारा बुरा सबसे पहले होगा। तो भक्त के हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं आता। देखो प्रहलाद के जीवन में आता है कि जिन्होंने हमें हाथियों से कुचलवाया, आग में जलवाया है, और पर्वत के नीचे गिरवाया, समुद्र में डुबवाया, संबरासुर की माया है, और कृत्या उत्पन्न करवाई पुरोहितों से जिन्होंने, उनके प्रति भी अगर हमारे मन में द्वेष ना होवे, दुर्भाव ना होवे, तो ये हमारे मरे हुए पुरोहित जिंदा हो जाएं, और दोनों पुरोहित जिंदा हो गए, है ना? एक नाथ जी पर जिसने थूका बोले की बड़ी कृपा की, एक बार और स्नान मिल गया, 100 बार थूका तो बड़ी कृपा की, मच्छर से भी द्वेष नहीं। भक्त सोया हुआ था, आके मच्छरों ने काटा, नींद टूटी, बोले अरे राम राम, मच्छर बहुत बुरे हैं, सोने नहीं देते, काटते हैं, बोले ईश्वर की बड़ी कृपा है, ये कहते हैं सो मत, बैठ के भजन करो, ये तो भजन करने के लिए जगाते हैं, ईश्वर के दूत हैं। भक्त के हृदय में यदि सद्भाव नहीं हुआ, सद्भाव ही तो भक्ति है, न द्वेष न रमते,
एक बार की बात है, हम लोग कहीं से आ रहे तो रास्ते में कहीं ठहरना हुआ, और जानबूझ के मैं शहर का नाम तो इसलिए नहीं बताता हूँ कि वहाँ के लोग यहाँ बैठे हैं वो समझ जाएंगे, है ना। तो चले गए एकाएक उनके घर में, खबर तो उनको थी, टेलीफोन किया हुआ था कि हम जब वहाँ से लौटेंगे तो तुम्हारे घर पर थोड़ी देर दोपहर का विश्राम करके फिर आएंगे। तो माताएं तो सब तैयार, आज स्वामी जी आने वाले हैं, स्वामी जी आने वाले हैं, विश्राम की विधि भी बैठी। एक लोग वो जुआ खेल रहे थे, ताश होता है ना, है ना, और बिल्कुल सामने सामने बैठे जुआ खेल रहे थे, और जान पहचान सबसे, सेठों से भी सेठानियों से भी, है ना। अब उनके घर में आए तो सेठानियों ने प्रणाम किया और ले जाकर के जहाँ विश्राम का स्थान था वहाँ बता दिया, थोड़ा पानी वानी पिलाया, है ना। बोले भाई सेठ जी का, सेठ जी तो अभी रमे हुए हैं, है ना, रम गए हो, और सेठ जी तो अभी रमे हुए हैं। तो थोड़ी देर के बाद जब हम थोड़ी देर सो चुके, जब वहाँ से उठे, जब हमारे जाने का समय हुआ, तो वो तो 6-6 घंटे चलता है ना। अब महाराज ईश्वर का तो हो गए भक्त, कंचक भक्त कहा राम के, किंकर कंचन को काम के। तो भक्ति, अब देखो रमना क्या हुआ, न रमते का अर्थ है जो ईश्वर का भक्त होता है वो संसार में कहीं रमता नहीं है, उसके रमण का एक ही स्थान है ईश्वर, जो राधा रमण है, आत्मा राम है, वो आत्म रमण है, आत्मा तुराधिका तस्य सयही व रमणादसौ। तो न रमते भक्त जो है वो कहीं रमता नहीं, यही उसकी विशेषता है। इस भगवान अपने भक्त पर निछावर हो जाते हैं, भक्त पर भगवान निछावर होके भक्त को नहीं, भक्त के भक्त को भगवान अपना आपा दे देते हैं, भक्त के भक्त को। भक्त भगवान की सेवा कर रहा है और भगवान भक्त के सेवक बन करके उसकी सेवा कर रहे हैं, और श्री खंडिया बन के, कहा एकनाथ के श्री खंडिया बन करके, नौकर नहीं मिला तो कहार बन के ठाकुर जी आए और 12 बरस पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हो ठाकुर जी, ऐसे भक्त के भक्त हैं भगवान, भक्त भक्तिमान भगवान भक्त के भक्त हैं। अब कहो भगत जी तो ऐसे हैं महाराज कि बोले गोपाल जी तो अपने घर के हैं, चाहे जब इनकी सेवा पूजा कर लेंगे पर ये धन तो बारंबार नहीं आवेगा ना, ये नाच देखने को नहीं मिलेगा, ये खाने को नहीं मिलेगा, ये पहनने को नहीं मिलेगा, ये भोग विलास नहीं मिलेगा। बोले गोपाल जी तो अपने घर के, चाहे जब सेवा कर लेंगे, आओ पहले ये काम कर लें। तो जो दूसरी जगह रम गया भाई, रम गया उसके हृदय में भक्ति कैसी, तो जो भगवान में रम गया वो दूसरी जगह रमता नहीं है, असली रमण तो भगवान में ही होता है। वो पिंगला के वचन है ना श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में, संतम रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमम विहाय, हमारे हृदय में ही रति दान करने वाला, वित्त दान करने वाला, प्रेम दान करने वाला, जो हमारा परम प्रेष्ठ परम प्रेमास्पद हमारा हृदयेश्वर है, उसको छोड़ करके मैं संसार में रमती हूँ। छोड़ो संसार को, आत्मना रमणे न वही, कब मैं रमण करूंगी अपने हृदय में रहने वाले अपने आत्मेश्वर हृदयेश्वर, अपने जीवन सर्वस्व जीवन दान अपने प्रभु से। तो न रमते जो भगवान का भक्त होता है वो संसार में किसी के राग के चक्कर में नहीं पड़ता है। अगर संसार में कहीं राग हुआ, अगर विषय में सुख मिलने लगा, सामने वाले में सुख मिलने लगा, राग में फंस गए भाई, तो भगवान का अनुराग नहीं मिलेगा। अनुराग जहाँ मिलता है वहाँ संसार में राग नहीं होता। और नोत्साही भवती, नोत्साही भवती का अर्थ
शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान ये प्रिय या यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। तो कांक्षति की जगह तो सूत्र में वांछति है वो, और न द्वेष्टि की जगह न द्वेष्टि है, न शोचति की जगह न शोचति है, और हृष्यति की जगह रमते है। जो न हृष्यति, हृष्यति के स्थान पर रमते है, और शुभाशुभ परित्यागी के स्थान पर सूत्र में नोत्साही भवती, बड़ा भारी उत्साह। तो संसार में ये पाप है और ये पुण्य है, और ये अच्छा है और ये बुरा है, किसी के मन में शुभ करने के लिए उत्साह होता है और किसी के मन में अशुभ मिटाने के लिए उत्साह होता है। पर जिस काम के लिए उत्साह होता है उसमें मनुष्य वीरता दिखाता है। ये वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जिस काम में उत्साह होगा उस काम में आदमी अपनी बहादुरी दिखाएगा। तो यदि मनुष्य की बहादुरी शुभ की प्राप्ति और अशुभ के त्याग में लग गई तो अपने प्रीतम के प्रति जो प्रेम है वो शिथिल पड़ जाएगा। तो प्रेम में शिथिलता नहीं आवे इसलिए भक्त के मन में संसारी कामों में उत्साह नहीं होता है, वो रमता है तो भगवान में, और उसके मन में उत्साह होता है तो भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा को छोड़ करके उसके मन में और कहीं उत्साह नहीं है। अब भक्ति का एक अपूर्व लक्षण बताते हैं। जज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। भक्ति का ज्ञान होने से, ये ज्ञात्वा जो है ना ये बड़ा विलक्षण है, देखने में तो नन्हा सा ये पद है, तो भक्ति को ठीक ठीक समझ जाना। असल में तो भक्ति मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक है, ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसके जिसमें भक्ति न होए हो। कोई पत्नी भक्त होता है, कोई पुत्र भक्त होता है, कोई पितृ भक्त होता है, कोई देश भक्त होता है, कोई देह भक्त ही होता है। देखो अपने देह को सिंगारने में हमको एक जगह मालूम हुआ कि अमुक सज्जन जब बाथरूम में जाते हैं तो 2 घंटे में निकलते हैं। अब वो अपनी सेवा, शरीर की सेवा है ना, और उसमें बालों की खूंटी निकालना है, शरीर में साबुन लगाना है, तेल लगाना है, सारी बातें उसमें मिला करके 2 घंटा इस काम में लगता। तो बोले 2 घंटे जरा ईश्वर की सेवा तो करो। अरे कौन पड़े बेकार काम में, क्यों तो अपना प्रियतम तो ये है ना, अपना प्रियतम तो शरीर है। शरीर की सेवा के लिए आदमी 24 घंटे लगा सकता है, लेकिन ईश्वर की सेवा के लिए कहो तो कहेगा फुर्सत नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, जरा फक्कड़ टाइप के थे, तो एक सेठानी गई उनका दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने स्वाभाविक पूछ दिया कि तुम्हारे पुत्र क्यों नहीं आए। तो सेठानी जी के मुंह से निकला कि बाबा उनको तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपका दर्शन करने के लिए कहाँ। तो महात्मा बोले कि बाबा जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन सब फुर्सत मिल जाएगी। बोला अच्छा, उनको उसी दिन फुर्सत मिलेगी जिस दिन मृत्यु आएगी। अरे अब तो सेठानी को बड़ा बुरा लग गया कि हमने कहा तो कहा, इन्होंने क्यों कह दी, है ना। बोले मैंने कहा तो कहा, ये महात्मा हो के ऐसा क्यों कहते हैं, अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, कहीं बाबा इनकी बात सच्ची न निकले, है ना। अच्छा ऐसा है, देखो क्या संसार की माया। तो भगवान ने भक्ति तो दी है सबको, पर वो भक्ति मनुष्य कहाँ जोड़ता है, वो कहीं न कहीं दुनिया में जोड़ देता है। तो ये अगर तुम्हें ज्ञान हो गए कि ये भक्ति
संसार में और किसी से जोड़ने के लिए नहीं है, ये तो प्रियतम प्रभु से ही जोड़ने के लिए है। और देखो तुम्हारे हृदय में ही बैठे, आप विश्वास करो चाहे मत करो, आपके हृदय में भगवान, आपके हृदय में, हृदय कमल में खड़े होके हो दोनों हाथ फैला के और प्रेम भरी आंख से आपकी ओर देखते हुए और इशारा कर रहे हैं कि मेरे प्यारे आओ, लेकिन तुम्हारी आंख उनकी ओर नहीं है, तुम दूसरे की ओर देख रहे हो। यही प्रमाद जीवन में, प्रमाद जो है ये यही है कि अपने हृदय में अवस्थित जो परमेश्वर है उसके इंगित को, उसके इशारे को, उसके संकेत को हम नहीं देखते हैं कि वो हमें अपनी ओर बुला रहा है। और जब मालूम पड़ जाए कि वो बुला नहीं रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दोनों हाथ फैलाए हमको हृदय से लगाने के लिए, हमारी ओर आ रहा है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना है? नाम सुतिच्छन रति भगवाना, जब उसको मालूम हुआ जज ज्ञातवा पुमान मत्तो भवती, मतवाला हो जाता है। दिस यरु विदिति पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चलूं नहीं बूझा है। रामचंद्र से मिलने के लिए चल रहा है, आ रहे हैं राम, आ रहे हैं लक्ष्मण, आ रहे हैं श्री जानकी जी, आ रही हैं। बोले दिस यरु विदिति पंथ नहीं सूझा, पागल हो गया, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कहाँ से रास्ता है, सूझते ही नहीं है। को मैं कहाँ चलूं नहीं बुझा, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति हो गई। कभी आगे बढ़ता है तो कदों का फिर पीछे पुन जाए, कभी आगे जाता है तो कभी पीछे लौट जाता है। ये क्या है कि मत्तो भवती, भगवान की भक्ति में मतवाला हो गया हो, सुतीक्ष्ण मतवाला हो गया। और स्तब्धो भवती मुनि मगमा ही अचल होई बैठा, सुतीक्ष्ण जी रास्ते में अचल होकर के बैठ गए, ये स्तब्धि भाव हो गया। पुलक शरीर पनस फल जैसा, शरीर में रोमांच है जैसे कटहल हो, ऐसा कटहल में जैसे कांटे होते हैं ऐसे सारे शरीर में रोमांच हो गया। सुतीक्ष्ण जी रास्ते में बैठ रहे हैं, राम आए और पता नहीं लगा, मुनि राम बहुभाति जगाला, भगवान ने उनका सिर पकड़ के हिला दिया हो, उनके ऊपर पानी भी थोड़ा छिड़क दिया, पुकारा सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण। इसका ये क्या शब्दों भगवते, जैसे खंभा हो ऐसे हो गए, शब्द हो गए। प्रेम में बड़ी बड़ी विलक्षण गति होती है। श्रीमद् भागवत में कई प्रसंग इस प्रेम के हैं कि यदि आप उनको देखें, न्यस्तक क्रीदन को बालो जड़वत तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीश जगदीत्रिताम। प्रहलाद जी के हृदय में जब भक्ति की उमंग उठी तो खिलौना फेंक दिया, जैसे कोई जड़ होए, पत्थर होए, मूर्ति होए रखी, ऐसे हो गए, मन कृष्ण में लग गया। ऐसा लगा जैसे कोई भूत लग गया हो प्रहलाद जी को, भूत प्रेत पिशाच। कहिए कौन भूत लगा, बोले कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा। ये कृष्ण किसी किसी को भूत होकर भी सताते हैं, बोला भूत होकर सताते हैं, जैसे भूत लग गया हो ऐसे कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा। एक कथा आती है, एक गोपी है ना, एक गोपी थाक लेके अपने सिर पर और खेती के काम में लगे हुए अपने ग्वाले को भोजन पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में महाराज ये काले काले तो हैं, है? और आके पेड़ के आड़ में खड़े हुए और जरा सी बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई, सुनते ही बेहोश होकर के गोपी गिर गई। अब देखा कि गोपी तो गिर गई, तो दौड़ते हुए आए और उसके वक्षस्थल पर अपना चरण रखते हुए निकल गए। उधर जो केसर लगी थी तो भगवान के चरणों में है ना लग गई, और वो तिनकों से पूछ गई। अब वो तो बेहोश होके गिरी, किसी ने जाकर उसके पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी रास्ते में बेहोश पड़ी है। अब वो बेचारा दौड़ के आया,
दौड़ क्या रे क्या हुआ। अब वो धीरे धीरे पानी वानी छिड़क के कुछ होश में किया तो वो बोले उधर दिखावे हाथ दिखावे पेड़ की तरफ, जिधर को जिधर को कृष्ण दिखे थे ना पहले तो उधर को दिखावे। बोले क्या तो बोले काला है ना। अब वो पति ने समझा कि हमारी पत्नी को तो काला भूत लग गया है। कृष्ण ग्रहगृहीत आत्मा, कृष्ण ग्रहगृहीत आत्मा नदोद जगदीश दृशम, पता नहीं चलता है कि दुनिया कहती है। अब ये प्रसंग फिर आपको